हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20, दिनांक 9/2/2022। दिनांक, विद्यार्थी का नाम, वहाँ आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा, नर्सरी, शिक्षक शिक्षिका का नाम, वहाँ आपको अपने सही मैडम का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वच्छ होंगे। रिएप्टेंगल आयत, आइए मिलकर यह गीत गाते हैं। आई एम रिक्की, द रिएप्टेंगल सिंगिंग माई सॉन्ग्स। With two side short and two side long, let's country my side, come along 1 2 3 4। देखो बेटा, ये बोल रहा है कि दो एंगल मेरे छोटे हैं और दो एंगल मेरे बड़े हैं। दो मतलब शॉर्ट है और दो लॉन्ग है। तो देखिए, इन्होंने कुछ चित्र दिए हुए हैं। ये LED है, तो देखो, एक दो दो एंगल इसके शॉर्ट है, ठीक है, और दो एंगल इसके लॉन्ग है। फ्रिज देखो, दो एंगल शॉर्ट है, दो एंगल लॉन्ग है। टेबल देखो, इसके भी दो एंगल शॉर्ट है और दो एंगल लॉन्ग है। डोर देखो, दो एंगल शॉर्ट है और दो एंगल लॉन्ग है। ऊपर देखो, ऊपर भी दो एंगल शॉर्ट है और दो एंगल लॉन्ग है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अब नीचे दिए गए चित्रों में से रेक्टेंगल आकार की वस्तु के चित्रों पर सही का निशान लगाइए। देखो, रेक्टेंगल ये तो नहीं है, बस है, क्योंकि दो दो इसकी छोटे हैं और दो बड़े हैं, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग है। सूरज भी नहीं है, बैग है, बोर्ड है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हैं। बुक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हैं। गिफ्ट भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हैं। तरबूज नहीं है और ये बॉल नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए अब रिएक्टेंगल आकार में कागज के तीन पट्टियाँ लेकर उनमें रंग भरिए, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, और उनकी सहायता से एक झंडा बनाइए। देखो बेटा, आपको बताया था रेक्टेंगल कौन सा होता है, दो उसकी छोटी होती हैं बजाय दो लंबी होती हैं, शॉर्ट मतलब लॉन्ग। तो ऐसी आपको तीन लेनी है, एक में ऑरेंज कलर करना है, एक में वाइट कलर करना है और नीचे ग्रीन कलर करना है, ठीक है। फिर एक डंडी लेनी है, फिर शॉर्ट और लॉन्ग वाला हो गया सिस्टम, ठीक है। इससे आपको एक झंडा बना देना है। चलो नीचे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, घर में उपस्थित वस्तुओं की सहायता से बच्चों को रेक्टेंगल आयत की पहचान करवाई जा सकती है, ठीक है बेटा। ये सब बता चुके हैं हम आपको। रेक्टेंगल क्या होता है? जो शॉर्ट और लॉन्ग होती हैं भुजाएं, ठीक है। चलो, ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।